हाँ जी, तो किस किस को ज़रूरत है ग्लोइंग वाइटनिंग की। तो आज हम इतनी ही मैजिकल नाइट क्रीम बना रहे हैं, आप दिन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्किन वाइटनिंग क्रीम बना रहे हैं, स्किन वाइटनिंग नाइट क्रीम, जो कि आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसके बेनिफिट हैं। और तिब्बत क्रीम को कौन नहीं जानता, हमारे पुराने लोग तिब्बत क्रीम को ही सिर्फ यूज़ करते थे। और इतनी बजट फ्रेंडली ये क्रीम है, इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। ये आपके चेहरे से झाइयाँ, दाग धब्बे दूर करती है, जिल्द को उम्र के असरात और झुर्रियों से अरसे दराज तक महफूज रखती है, जिल्द को रेशम की तरह नरम मुलायम बनाती है, चेहरे की जो जायद चिकनाई होती है, जैसा कि गर्मियों में आजकल हो रहा है, ऑयली हो जाता है हमारा फेस, उसको दूर करती है और उसको जज्ब करती है। शेव के बाद भी बतौर एंटीसेप्टिक इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं सिर्फ इसी को लगाने के। और सस्ती इतनी है, सिर्फ 200 रुपये की मुझे ये अब मिली है। और इसमें अगर हम ये एक दो चीज़ें और मिक्स कर लेते हैं, जैसे एज अ फॉर्मूला क्रीम जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सारी चीज़ें अपनी जगह अलग अलग फ़वाद रखती हैं। तो सोचें आप ये क्रीम कितना जादू का असर करेगी। बस आपने इसको सिंपली लेना है और इसको रात में और दिन में हाथों पैरों पे, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप लगा सकते हैं, अपने चेहरे पे लगाएं। आपका चेहरा देखते ही देखते लोग पूछने लग जाएंगे कि आपने क्या यूज़ किया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनके चेहरे पे कोई असर नहीं हो रहा कोई भी क्रीम लगाने से, तो ये क्रीम, ये फॉर्मूला ज़रूर बनाएं। होममेड स्किन वाइटनिंग ये क्रीम है, इसको लगाने के बाद लाजमी आपके चेहरे पे असर पड़ेगा, क्योंकि इसकी इतने पुरानी ये क्रीम है, इसका मयार बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वही का वही इसका मयार है, वैसी की वैसी ये क्रीम है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट डालेंगे उसको मिक्स करने के बाद ये और भी मैजिकल क्रीम बन जाएगी। सिर्फ इसको भी आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में, नाइट में, लेकिन मैं इसमें दो तीन चीज़ें ऐड करूँगी। और उसके लिए ले लेते हैं हम एक बॉल, जिसमें 3 स्पून में इस क्रीम के ऐड करूँगी। एक ही दफ़ा में अगर आप बना के रखना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा बना सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगी। और मैं बना रही हूँ हाथ पैरों के लिए, तो हाथ पैरों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। हाथ पैर आपके जो गर्मियों में टैनिंग आ जाती है, सब ख़राब हो जाते हैं, बर्तन धो के या कोई भी काम वाम करके रफ से हो जाते हैं, उससे ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे ग्लिसरीन का डालेंगे। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया है। ये आपके हाथ पैरों को, चेहरे को मॉइस्चराइज भी रखेगी, ड्राई नहीं होने देगी। और भी जिनकी स्किन कुछ भी क्रीम लगाने से बहुत डल हो जाती है, इसके बाद हम यहाँ पे वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करेंगे। वाइटनिंग कैप्सूल हमारी स्किन को एक वाइट इफ़ेक्ट देंगे, जिनकी स्किन पे डलनेस आ गई है और बहुत ही ज़्यादा स्किन डल लगती है, टैनिंग आ गई है, और उनको चाहिए कि हम चेहरा एकदम हमारा फ्रेश लगे और स्किन थोड़ी सी ब्राइट करे, तो उसके लिए आपने ये वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड करने हैं, जो कि यहाँ पे मैं 3-4 ऐड कर रही हूँ। वही बात है, क्रीम की क्वांटिटी के हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी है। और तीसरा इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ इवियन के कैप्सूल, यानी विटामिन ई के कैप्सूल, जो भी आप जिस भी कंपनी के आपके पास अवेलेबल हो, आप यहाँ पे 1 से 2 कैप्सूल ऐड कर दें। ये हमारे जो डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, हमारे आई सर्कल्स पे जो डार्कनेस आ जाती है उसको दूर करता है। बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट हैं। बस अब हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना, कुछ भी इसमें नहीं डालना, बस हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है और इसको किसी भी बॉल में शिफ्ट कर लेना है। आप चाहे इसे फ्रिज में रखें, चाहे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखें,
ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो इसमें ख़राब होने वाली चीज़ हो। लगानी आपने 1 मंथ तक रेगुलर है, इसमें आपने गैप नहीं देना। आप ये नहीं करिएगा कि थोड़े दिन लगाई आपने 2-3 दिन। अक्सर ये होता है कि हम कोई चीज़ लगाते हैं और वो असर नहीं दिखाती है तो उसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है आपने। आप जब तक कोई भी चीज़ हो वो रेगुलर नहीं लगाएंगे, नहीं यूज़ करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाले हैं तो इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऑनलाइन भी आपको आराम से मिल जाएंगे और किसी भी शॉप से, कॉस्मेटिक की शॉप हो या मेडिकल स्टोर हो, वहाँ से आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ये क्रीम सब यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बड़े सब यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जिनके चेहरे पे फेयरनेस नहीं है, एक्ने के स्कार्स हो गए, फ्रेशनेस नहीं है और डार्क सर्कल्स हैं, सब लोग इस क्रीम को यूज़ करें। होममेड सस्ती सी क्रीम बनाएं और महंगी क्रीमों से जान छुड़ाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।